नमस्कार, स्वागत है आपका DTW 24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राधा। एक बड़ी खबर आ रही है बगहा से, जहां टीकाकरण के दौरान दर्जनों बच्चे बीमार हो गए हैं, जिसमें से एक बच्चे की गांव में ही मौत हो गई, जबकि 17 बच्चे को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को नियमित टीकाकरण के दौरान बगहा प्रखंड के मोनाहा गाँव में ANM के द्वारा बच्चों का टीकाकरण किया गया था। बच्चों के बीमार होने के खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्शन में आ गई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराए गए बच्चों का इलाज चल रहा है। बच्चे कैसे बीमार हुए या फिर टीकाकरण में कोई चूक हुई, यह भी एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच की जा रही है। बीमार पड़े हुए हैं गाँव में। मामला ये है कि बाहर से एक ANM गई मैनाहा गाँव में, जो कि बोले कि BCG का टीका लगेगा। हम लोग सभी महिला BCG का टीका लगाना है, बच्ची से लेके बच्चा सब लोग का है। सब लिखो 19 लोग को सुई लगा, 19 में से एक बच्चा गुजर भी गया, जो कि उस बच्चा को 4 सुई पड़ा था, 2.5 महीना का था वो बच्चा। और हम लोग का जो बच्चा है उन लोग को 5 साल का टीका लगा है, तो उन लोग पैर नहीं रखने सक रहा, और उन लोग का धड़कन भी बहुत ज्यादा चल रहा था, तेज हो गया है, और कल से ही उन लोग का गंभीर हाल है। तो क्या वहाँ कोई डॉक्टर नहीं थे? यहाँ पर आए थे तो डॉक्टर थे। वहाँ जो ANM जो दी सुई दवाई की, वहाँ डॉक्टर नहीं थे? नहीं, जान पहचान नहीं था ANM से? ANM से नहीं, हम लोगों को जान पहचान था। आपका नाम? कविता देवी। घर? मैनाहा। कौन थाना पड़ता है? चिंता है। सुबह 11-12 बजे करीब में जो है बगहा हॉस्पिटल से ANM गए थे सुई लगाने के लिए, बच्चों का टीका लगाने के लिए। किस जगह? मैनाहा जगह पे। और वहाँ पे ANM के द्वारा सुई लगाया गया है और 4 सुई एक बच्चे को दिया गया। और इस तरीके से बच्चे को जो सुई लगा है, देख बच्चे का उसी समय हालत गंभीर था, और बाकी बच्चे का जो है थोड़ा थोड़ा समय का अंतर में बच्चे का स्थिति जो गंभीर होता गया। दरअसल हुआ कि जिस बच्चे का हालत गंभीर था उसको तुरंत जो है हरनाखंड भेजा गया, ठीक है। और हर एक में कुछ रिस्पॉन्स न मिलने के कारण जो बच्चा को इधर उधर से लेकर के भागने क्रम में बच्चा की मृत्यु कर गया, और बाकी बच्चे भी जो भयभीत और जो हालत उनका गंभीर था, बगहा फ़ोन किया गया और ANM को फ़ोन किया जा रहा था, तो ANM फ़ोन नहीं उठा रही थी, फोन नहीं उठा रही थी तो दूसरा किसी को फ़ोन दे रही थी। तो हम लोग के पास करीब जो 9:30 बजे करीब फ़ोन आया, तो हम लोग अपने माध्यम से इस सभी लोगों को जो है इस बगहा यहाँ पर बुलाया गया, और यहाँ पर जो है डॉक्टर को बुला करके इन लोगों को जो जांच पड़ताल किया गया। कल रात में मैनाहा गांव है, चिउटहा थाना है, वहां से SDM साहब का फोन आया था कि कुछ बच्चे वहां पे, एक बच्चे की मौत हुई है कुछ टीका लगने से, और इसी कारण से गांव के लोग घबराए हुए हैं। कुछ दो और बच्चों को वैक्सीनेशन लगा था। उसके बाद से मैं नाइट में ड्यूटी में था, तो 11 बजे 9 बच्चे हैं और 2 बजे के आसपास में 7 बच्चे और आए, टोटल 17 बच्चे थे हमारे पास। इनमें कुछ में जहाँ इंजेक्शन पड़ा था वहाँ दर्द था, और 2-3 को बुखार था, बाकी सारे बच्चे ठीक थे, कोई भी परेशानी नहीं थी। सारे बच्चों को हमने रखा है, अभी किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। DPT का टीका लगा था, इसके बाद दर्द और बुखार स्वाभाविक है, ये नॉर्मल फेनोमेना है, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है जो सेविका टीका दी हो, बुखार का दवा नहीं दी, प्रॉपर तरीके से समझाया नहीं गया, इसी कारण से गांव वालों में ये भय का माहौल। एक बच्चे की मौत भी हुई है सर, उस बच्चे में क्या था मुझे तो जानकारी नहीं है, पहले से हो सकता है कोई बीमारी हो इसके कारण से, और बुखार कंट्रोल नहीं हुआ हो, तो ये भी कारण हो सकता है। उस बच्चे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं। सभी बच्चे सर किस हालत में हैं? अभी यहाँ सारे बच्चे 17 के 17 बच्चे हमारे सारे स्वस्थ हैं, अभी ठीक हैं। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW 24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।